एंड अगर आपको पहली न्यूज आई है इंडिया एंड यू एस डिप्लोमेसी अब देखो मेन रीजन क्या है इस न्यूज का आप सबको पता होगा रिसेंटली आपके डेली के सी एम अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया गया है एंड रीजन क्या है उस अरेस्ट का वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं अब देखो 2021 में जो आपकी आप गवर्नमेंट है उसने एक लिकर पॉलिसी निकाली थी एक नई लिकर पॉलिसी एंड व्हाट वाज दैट पॉलिसी अबाउट इस पॉलिसी के अंडर था कि ये लोग नहीं चाहते थे कि कुछ एरियाज पे ही मतलब कुछ एरियाज में ही जो आपकी लिकर शॉप्स है वो अक्यूमलेटेड रहे या कन्फाइंड रहे ये चाहते थे जो आपका इंटायर डेरिंग रीजन है उसमें इस इंटायर रीजन में जो सारे स्टोर्स हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहे ऐसा नहीं हो कि एक ही जगह बहुत ज्यादा स्टोर्स है और बाकी जगह नहीं है चाहते थे कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहे ये ये आपकी पॉलिसी आई थी 2021 में और ये बहुत जल्दी स्क्रैप भी कर ली गई थी ये आपकी इम्प्लीमेंट नहीं है अब जो आपके एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है उन्होंने अरेस्ट क्यों किया है सीएम को और क्या रीजन है देखो उन्होंने करा है बिकॉज ऑफ दिस लिकर पॉलिसी ओनली इसमें इन्होंने क्लेम्स लगाए हैं कि जो केजरीवाल गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया है उन्होंने हंड्रेड करोड़ रुपीज लिए हैं फ्रॉम दी साउथ इंडियन रिटेलर्स उनसे लिकर रिटेलर्स बेसिकली क्यों क्योंकि इनका जो प्लान था फ्रॉम दिस इंटायर लिकर पॉलिसी इनका प्लान था कि साउथ से साउथ की जो रिटेलर्स हैं ये उन्हें फेवर करेंगे ताकि जो आपकी साउथ की रिटेलर्स हैं वो दिल्ली में आकर सप्लाई कर सके जिसके लिए जो साउथ के रिटेलर्स हैं उन्होंने इस गवर्नमेंट को हंड्रेड करोड़ रूपीज दिए हैं ठीक है ये आपके चार्जेस हैं जो इंडी ने लगाए हैं उन हैजरीवाल गवर्नमेंट एंड इसी वजह से केजरीवाल पर आपका मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस लगे हुए हैं जिसकी वजह से भी केस आपका चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में अब रीजन क्या है जो अभी ये न्यूज आई है अबाउट इंडिया एंड यूएस अब रिसेंटली एक आपके सीनियर यूएस डिप्लोमेट है जिन्होंने इस पे एक स्टेटमेंट दी है अबाउट दिस इंटायर न्यूज ये चाहते हैं कि जो केजरीवाल गवर्नमेंट है उन पर एक फेयर यू नो एक फेयर एंड जस्ट जजमेंट दिया जाए अब अगर आप किसी भी नेशन के इंटरनल मैटर में आकर टांग अड़ाओगे ठीक है ये हमारा है इंटरनल मैटर और इसमें अगर आओगे आप बीच में और एक स्टेटमेंट दोगे या इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दोगे दैट इज नॉट राइट अगर आप डिप्लोमेसी की बात करोगे तो सबको इस चीज में काफी ध्यान रखे चलना पड़ता है कि आप क्या स्टेटमेंट दे रहे हो और उसके क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं आगे बेड रिलेशनशिप ओके अब ये है हमारा इंटरनल मैटर एंड हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है इट इज वेरी वेरी मच स्टेबल और हमारे जुडिशरी काफी स्ट्रांग है कि हम एक जस्ट स्टेटमेंट ही देंगे अबाउट दिस इंटायर केस एंड इट्स नॉट गोन बी फेवरिंग वन पार्टी और अदर हेयर बट सिंस यूएसए ने डिसाइड किया कि हम आके इसमें कॉमेंट करेंगे दिस इज नॉट वेरी राइट बिकॉज यूएस में इंटरनली काफी सारी चीजें चलती रहती हैं अगर आप लोगों को पता होगा ट्रम्प एंड ऑल अ लॉट ऑफ थिंग्स इंटरनली ऑन इंडिया इंटरनलीवर यू नो स्टेटमेंट हम लोग पीस रखते हैं अपना वी मेंटेन दैट लाइन हम एक लाइन ड्रॉ करके रखते हैं जिसमें हम इंटरनल मैटर्स में कभी भी नहीं बोलते उनके एंड वी एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम देम सो दिस वाज नॉट वेरी यू नो राइट व्हाट दे डिड एट दिस पॉइंट इसके अलावा जर्मनी से भी एक फॉरेन ऑफिशियल थे जिन्होंने इस पे स्टेटमेंट दी थी अबाउट द केजरीवाल किंग्स एंड ऑल्सो दिस नॉट वेरी राइट जिसकी वजह से इंडिया ने जो स्टेटमेंट दी थी up, कि ये जो है ये इंटरफेयर कर रहे हैं हमारे इंटरनल मैटर्स में okay? so on, हम कर लेते हैं और रिसेंटली आपकी टाइगर ट्रायल ट्वेंटी ट्वेंटी फोर कंड हुई थी ये हमारी इंडिया और यूएस के बीच में होती है आर्म फोर्सेज के बीच में फोर्डीन डे एक्सरसाइज होती है आपकी इन और इस बार ये आपकी आंध्र प्रदेश पोस्ट पे हुई थी ठीक है इसमें बेसिकली जो आपकी रिलीफ ऑपरेशन है उनकी केपेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए आपके साथ में एक्सरसाइज करना होती है इसके अलावा देखो रिसेंटली के लोअर हाउस ने पास कर दिया है बिल ऑन सेम सेक्स मैरिज इन्होंने लीगलाइज कर दी है इसके अलावा देखो रिसेंट में हमने स्टडी किया था कि साउथ एशिया में कौन सा पहला नेशन था जिसने लीगलाइज की थी ये सेम सेक्स मैरिज तो वो था आपका नेपाल ठीक है ये चीज याद रखना है इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके yeah. yeah. मे वे वॉन्ट सी ये पार्ट पर आ जाते हैं रिसेंटली सेनेगल में आपके प्रेजिडेंशियल इलेक्शन चल रहे हैं और उसमें कौन सा कैंडिडेट है जो विक्टोरिया हुआ है सो दैट इज दाइ फाइट ठीक है इनमें इमेज आप यहाँ पर देख सकते हो अगर ये विक्टोरिया हो जाते हैं आफ्टर ऑल देन ही बी इलेक्टेड एंड हिज जस्ट फोर्टी फोर ईयर्स ओके ये याद रखें सेनेगल आप यहाँ पर देख सकते हो ये आपका वेस्ट अफ्रीका का पार्ट है ओके वेस्ट अफ्रीका का पार्ट है यहाँ पर सेनेगल ठीक है इसकी आपकी कैपिटल इज ओके दर आप देख सकते हो नेक्स्ट ऑन हम आ जाएंगे सऊदी से रिलेटेड आपकी न्यूज आई है रिसेंटली फर्स्ट पार्टिसिपेंट होने वाली है फ्रॉम सऊदी अरेबिया टू पार्टिसिपेट इन मिस यूनिवर्स कॉम्पिटिशन ठीक है यह आपकी मॉडल काम इंफ्लुसर है एंड रिसेंटली अनाउंस किया है द नेम इज रूमी अल खाथनी ठीक है ये आपका नेम है ये आपकी इमेज है देख सकते हो आप ठीक है इसके अलावा रिसेंटली जो आपकी मिस वर्ल्ड हुई ट्वेंटी फोर क्राउंड हुई थी Syskova, ये आपकी चेक रिपब्लिक से थी इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके करंट एग्जाम में इसके अलावा करंट मिस यूनिवर्स कौन है दैट इज शिनेस पलासियो एंड शीज फ्रॉम निकंट नेक्स्ट आ जाते हैं हम बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप अब रिसेंटली कंडक्ट हुआ था और इसमें कौन सी स्टेट है जिसने सिक्योर किया है टाइटल इन बोथ बॉयज एंड गर्ल्स कैटेगरी सो दोनों का टाइटल इन्हें ही मिला है दोनों कैटेगरीज में विद अ मेडल ऑफ नाइनटीन मेडल्स ठीक है ये स्टेट है आपकी हरियाणा सो so हरियाणा ने इसमें टॉप किया है ठीक है इसके अलावा आप सबको पता होगा रिसेंट में आपके पैरा गेम्स हुए थे पैरा खेलो खेलो इंडिया गेम्स भी कंडक्ट हुए थे उसमें भी आपकी हरियाणा ही जी टी ठीक है इसके अलावा सेकेंड आई है दिल्ली और थर्ड आई है आपकी महाराष्ट्र यहाँ पर नेक्स्ट आ जाएंगे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अब रिसेंटली सूरत में ठीक है आपका ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है बाय गुजरात मिनिस्टर ऑफ फॉर एजुकेशन दैट इज प्रफुल पंशीरिया इन्होंने ये लॉन्च किया है प्लेटफॉर्म और इस प्लेटफॉर्म का नाम है शिक्षा रिफॉर्म ठीक है सो दिस इज द नेम ऑफ द प्लेटफॉर्म और ये एक कोलाबरेटिव एफर्ट है आपका बिटवीन माइक्रोसॉफ्ट एंड लीडिंग फिनिश यूनिवर्सिटी ठीक है इनका एम है कि ये हाई क्वालिटी कोर्सेज प्रोवाइड करेंगे और ये टेक को भी उसमें और ज्यादा इंक्लूड करेंगे अब देखो रिसेंटली ये न्यूज आई थी जिसमें था कि एटी आपके जो एजुकेटेड एजुकेटेड यूथ है दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द फोर्स सो ये इनिशिएटिव आपका थोड़ा सा बेटर रहेगा देखो जब मैंने आपसे रीजन पूछा था मेंट इट की हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ये ही बहुत ज्यादा लैकिंग है हमारे सिस्टम में काफी ज्यादा प्रॉब्लम है और हम मेन चीजें प्रैक्टिकल चीजों पर फोकस नहीं कर रहे हैं ये रीजन आपने ही बताया था ठीक है ये हमने टेलीग्राम पे रखा था एक डिस्कशन अगर आप नहीं है उसका पार्ट देन यू शेफिनेटली ज्वाइन इट सो so, उसमें ये आपने पॉइंट किया था मेन्शन ठीक है सो ये जो आपका नया इनिशियेटिव है या जो प्लेटफॉर्म है जिसमें टेक को इंक्लूड किया जा रहे हैं और बाहर से

कि पोर्टुगल की आपकी कैपिटल क्या है सो so, यहाँ पर आप देख सकते हो इट इज लिस्ट नेक्स्ट आ जाते हैं टॉप फोर कैप वर्ड पे आज का फर्स्ट वर्ड है मिंटेड मिंटेड समथिंग इज वेरी न्यू हैज जस्ट बीन प्रोड्यूस्ड और हैज बीन कंप्लीटेड आपने बहुत बार सुना होगा कॉइन मिन्ट्स होते हैं कॉइन मिंट्स जहां पे कॉइन प्रोड्यूस किए जाते हैं नए नए ठीक है देन हम आ जाते हैं ऑर्ग्यूमेंट ओके सो दिस मीन्स टू इंक्रीज द साइज नंबर स्ट्रेंथ और एक्सटेंट ऑफ समथिंग थर्ड है आपका कॉर्नबॉय मीन्स अ ग्रुप ऑफ और शिप्स दैट मूव टूगेदर फॉर म्यूचुअल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन एंड लास्ट में आ जाता है हमारा वर्ड क्रूशल एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट और नेसेसरी नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्वेश्चन फॉर द डे पे आई होप यूर आंसर दिस इन द दमेंट सेक्शन एंड अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है देन मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो यू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल विद दैट मीन इन सेशन में थैंक यू फॉर वॉचिंग